भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कोविड 19 के दृष्टिगत क्षेत्रीय विधायक व डीएम ने जिला अस्पताल पौड़ी GIC पौड़ी टीकाकरण स्थल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। वैश्विक महामारी कोविड 19 के दृष्टिगत माननीय क्षेत्रीय विधायक पौड़ी मुकेश सिंह कोहली व जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज जिला अस्पताल पौड़ी GIC पौड़ी टीकाकरण स्थल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया तथा उपचार एवं टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों का हालचाल जाना। जबकि विधायक श्री कोहली ने कोविड 19 मानकानुरूप PPE किट पहनकर जिला अस्पताल पौड़ी में कोरोना संक्रमित वार्ड में पहुंचकर उनका हालचाल जाना। साथ ही डॉक्टरों द्वारा दिए जा रहे स्वास्थ्य उपचार की जानकारी रोगियों से ली, जिस पर रोगियों ने अच्छे खान पान मिलने की बात कही। माननीय विधायक श्री कोहली ने जिला अस्पताल पौड़ी में जनरल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, पैथोलॉजी लैब, पर्ची काउंटर, ICU कक्ष, कोविड संक्रमित वार्ड का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि कोविड 19 संक्रमण के दृष्टिगत गंभीरता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कोविड 19 से संक्रमित मरीजों से बात कर उनका हाल चाल जाना। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। जिला अस्पताल के लिए 1000 LPM ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति मिल गई है, जिसके लिए भूमि का भी चयन हो चुका है। कहा कि जल्दी ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने निरीक्षण करते हुए कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मरीजों से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना। उन्होंने संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि मरीजों को खाने की व्यवस्था, पानी, सैनिटाइजर, मास्क सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके लिए उन्होंने कोविड टीकाकरण स्थल GIC पहुंचकर वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों से बातचीत कर अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण हेतु अन्य लोगों को भी जागरूक करने की बात कही। उन्होंने प्रतीक्षालय कक्ष, टीका कक्ष तथा ऑब्जर्वेशन कक्ष का निरीक्षण कर संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों से अब तक किए गए टीकाकरण वैक्सीनेशन की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने टीकाकरण स्थल पर लोगों के लिए बैठने, पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को जानकारी दी। तत्पश्चात माननीय विधायक श्री कोहली ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से कोविड 19 संक्रमण के संबंध में जानकारी ली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट द्वारा अस्पताल हेतु उपकरणों की मांग पर उन्होंने कहा कि 2 दिन के भीतर उपकरण अस्पताल को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ताकि आम जनमानस स्वास्थ्य सुविधा पूरा लाभ मिल सके। कहा कि जिला प्रशासन द्वारा समस्त ग्राम प्रधानों को 50-50 दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि प्रधान अपने अपने गांव में समय रहते प्राथमिक उपचार के तौर पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति एवं कोविड लक्षण के लोगों को मेडिकल किट उपलब्ध कर सकें। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि कोविड वार्ड के बाहर बैनर, पोस्टर एवं फ्लैक्सी लगाना सुनिश्चित करें, जिससे सभी को आसानी से पता लग सके कि यह कोरोना वार्ड है। साथ ही वार्ड के बाहर चार्ट लगाना भी सुनिश्चित करें, जिसमें ड्यूटी में तैनात डॉक्टर एवं कर्मचारियों का नाम लिखा हो। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में जिला अस्पताल पौड़ी में कोविड मरीजों के लिए 70 बेड लगाए गए हैं, जिनकी संख्या 165 करने की स्वीकृति मिल चुकी है। जिलाधिकारी ने GIC टीकाकरण स्थल पौड़ी में निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई व्यवस्था व सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट में 10 बेड की व्यवस्था के साथ ही यहां पर माइनर OT संचालित की जा रही है। कहा कि यहां वैक्सीनेशन की सेशन साइट भी संचालित की जा रही है और लक्ष्य के अनुरूप 45 साल से अधिक उम्र व फ्रंट लाइन वर्करों का 80% टीकाकरण हो चुका है। इसके पश्चात ग्राम प्रधान, निर्वाचित सदस्यों, बैंक कर्मियों, सस्ता गल्ला विक्रेता व सभी फ्रंट लाइन वर्करों को भी शासन की स्वीकृति मिलते ही वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, जब से अभी लगभग कोरोना को 1 साल हो गया, तो तब से तो योजनाएँ हमारे स्वास्थ्य केंद्र से अच्छी दी जा रही हैं। पिछले साल तो इतना नहीं था, लेकिन इस वर्ष ज़्यादा यहाँ पे लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वैसे जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, सबसे पहले तो आज हम लोग सुबह जिला अस्पताल पौड़ी में गए
और आज हमने पौड़ी जिला अस्पताल में जो है औचक निरीक्षण किया है। वहाँ पे आपको हमने कोविड सेंटर देखा है, उसमें जहाँ पर 18 से और 45 साल के लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ पे हमने उसकी जांच की है। इसके अलावा हमने जहाँ पर जो जनरल वार्ड है उस वार्ड में भी जाके आम जो जनमानस है उनकी भी समस्याओं को आज हमने उनकी सुध ली है। इसके अलावा जिला अस्पताल में मैं हृदय से आभार प्रकट करूँगा अपने देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और अपने प्रदेश के माननीय और आदरणीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का कि आपने जिला अस्पताल पौड़ी के लिए भारत सरकार से 1000 LPM जो ऑक्सीजन प्लांट है उसकी जो है सैद्धांतिक और वित्तीय दोनों स्वीकृतियाँ उनको प्रदान की हैं और निकट भविष्य में लगभग 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर ये ऑक्सीजन प्लांट हमको उसको लगा देंगे, इसको स्टैब्लिश कर देंगे हम पौड़ी के अंदर। तो निश्चित तौर पर जो पौड़ी में किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम जो CSC कोर्ट है इसमें भी हमने आज यहाँ पे औचक निरीक्षण किया है और यहाँ के जो प्रभारी चिकित्सक अधिकारी हैं तोमर जी, उनके माध्यम से एक मांग पत्र भी हमको दिया गया है कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में अभी चिकित्सक साहब ने हमको ये जो डिमांड दी है, इस डिमांड को मैंने पूरा आश्वासन दिया कि 1 या 2 दिन में हम वो सारा सामान यहाँ पर पहुँचा देंगे। बाकी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार प्रत्येक घर में प्रत्येक गांव में दवाइयाँ पहुँचा रही है। प्रधानों को लगभग 50-50 किट जो मेडिकल किट है वो हमने उपलब्ध करवा दी है। हमने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है और उसके संपर्क में और भी लोग आते हैं तो उनको भी आपकी मेडिकल किट दे दीजिए ताकि वो परहेज शुरू कर दें। तो किसी भी प्रकार से मेरी विधानसभा में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है केवल मेरी विधानसभा में 2 या 3 ऐसे केस हुए हैं, बाकी हमारी विधानसभा सब ठीक है। और मैं अपने सरकार की तरफ से अपने शासन प्रशासन और अपने तमाम डॉक्टर्स को और फ्रंट लाइन में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हैं, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करूँगा कि कोरोना की इस महामारी में आप जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं उनके लिए मैं अपनी तरफ से विधानसभा पौड़ी के विधायक होने की तरफ से उनका